हे गाइस नमस्ते सलाम सत श्री अकाल केम चला। तो भाई अपनी मनचाही पोकेमोन के लिए तुम्हें बहुत वेट करना पड़ता है और थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, उससे ज़्यादा भाई गिल्ड में तुम्हें अपना योगदान देना पड़ता है। तो भाई मेरा गिल्ड तो सच में बहुत ही औसम है, अब मैं चाहता हूँ सबको ऐसा गिल्ड मिले, लेकिन ऐसा हो तो सकता नहीं ना क्योंकि एक सर्वर में एक ही ऐसा टॉप गिल्ड होता है। तो भाई वो नसीब की बात होती है, आप लोग भी वैसे जा सकते हो, उसमें ऐसा कोई नहीं है। वैसे मुझे यहाँ से और मेरे खुद से भी जो कलेक्ट करे हुए शर्ट्स वगैरह तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे इतने सारे छोटे पोकेमोन के शर्ट्स तुम देख रहे हो, गबाइट वगैरह, यहाँ पे लिटिल सुइकुइन, और ये सब तो मेरे किसी काम के नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मैं इसे एक्सचेंज करके किसी ऐसे शेड में बदल सकता हूँ जिससे मैं अपना एक पोकेमोन स्ट्रांग बना सकता हूँ। तो मैं वही डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने शर्ट हो चुके हैं कि ना मैं आराम से 2-3 मेगा बना सकता हूँ अपने मेगा पोकेमोन्स। लाइक अगर मुझे टेरेंटर का बनाना होगा, गाचों का बनाना होगा, कोई एसआर पोकेमोन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो मैं अभी कुछ देर बाद डिसाइड करने वाला हूँ। उससे पहले मेरे पास इतने शेड्स है कि मैं ना लैंड्रस वगैरह को मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वो फैटर कंप्लीट करना है। तो मेगा टोर्नेडस मैंने ऐसे ही करके कंप्लीट किया हुआ। और गाइज मेरे पास अभी 0 आई थिंक सो 1-2 होना चाहिए थंड्रस, ये थंड्रस ही बना रहा हूँ मैं, हाँ तो वो होना चाहिए, नहीं लैंड्रस सॉरी थंड्रस से मैं बना चुका हूँ, लैंड्रस 1-2 होना चाहिए, मैं पहले चेक करने आया हूँ। तो लेवल नहीं, लेवल अप करके मैंने नहीं करा हुआ था, तो रेयर में देख लेते हैं। ये सारे पोकेमोन से नीचे जस्ट होगा वो, नहीं भाई है ही नहीं, एक भी नहीं है। ये देखो मेगा टोर्नेडस ये रहा मेरा, लेकिन एक लैंड्रस अभी जो मैंने सिंथेसाइज किया वही है। ऑल राइट, तो भाई मुझे 5-5 मेगा सॉरी बनाने के लिए चाहिए है ना लैंड्रस। ऑल राइट, मैं 5-5 इस वीडियो में कोशिश करता हूँ बनाने की। तो जितने शेड्स वगैरह होंगे सारे के सारे एक्सचेंज करके मैं यही बनाने की कोशिश करता हूँ। ऑल राइट, लैंड्रस लिखता हूँ, और नहीं ये सब तो नहीं बनाना, सिर्फ यही बनाना है मुझे, ठीक है। मेरे पास 600 शेड्स से मुझे 150 शेड्स मिल जाएंगे लैंड्रस के, तो मेरे पास ऑलरेडी 523 से तो कर दिया मैंने ऑलरेडी, देखते कितना हुआ 296। अरे यार सिर्फ 4 और चाहिए, उसके बाद मैं और एक लैंड्रस को सिंथेसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं थंड्रस, अरे यार टोर्नेडस, यार कितना कंफ्यूजिंग नाम है, मैंने मेगा टोर्नेडस बनाया हुआ था, थंड्रस अब वहाँ से एक्सचेंज करके निकाल रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम लोग समझ सकते हो इतना परेशानी तो होता ही है। ऑल राइट, यहाँ पे कोई भी ऐसा शेड नहीं है जिससे मैं और 3 शेड्स निकाल सकूँ लैंड्रस के। ऑल राइट, तो मैं इसका निकाल लेता हूँ और थंड्रस का निकाल लेता हूँ। चलो यार लास्ट ऑप्शन वही बचता, सफिशिएंट नहीं है मेरे पास। अरे यार गलती से मैंने एक्सचेंज ऑल पे क्लिक कर दिया, यार इतने सारे शेड्स बर्बाद हो गए, थत कोई बात नहीं। यहाँ पे कैच कर लेते हैं, 3 लैंड्रस हो चुके हैं। ऑल राइट, यहाँ पे खड़े नहीं बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, तो बैठे 2-3 लैंड्रस मैंने बना लिए हैं। ऑल राइट, बचा 2 और, तो लेजेंडरी शुरू में चलते हैं। मेरे पास थोड़े से ही लेजेंडरी पॉइंट्स है, तो एक काम करते हैं, मेरे पास अच्छे खासे क्रिस्टल्स है, मैं उसे खर्च कर देता हूँ यहाँ कैप्सूल पे आके। तो देखते भाई अगर लकीली मुझे मिल गया ना लैंड्रस तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। अरे यार ये मंचलक्स लेके क्या करूँगा मैं, ऐसे ही मैं अपना R6 कर चुका हूँ यहाँ के स्नोलैक्स को। ऑल राइट, चलते हैं लैंड्रस बाई करने, कहाँ गया ये रहा, अच्छा 358 ही है, मुझे लगा था 400 होगा, तो मुझे थोड़े से और लेजेंडरी पॉइंट्स चाहिए होंगे। ऑल राइट, तो 4 लैंड्रस हो चुके हैं डूड, 5th वाला ये लास्ट ऑप्शन होगा भाई। देखो लक पे दुनिया कायम है, अरे नहीं लक पे दुनिया कायम नहीं है, वो भरोसे पे कायम है ना, कुछ भी बोलता हूँ मैं। ऑल राइट छोड़ो, तो लास्ट लैंड्रस बच गया और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से उसे भी बना पाऊँ। तो यहाँ पे एसआर पोकेमोन है मेरे पास म्यूटू, तो म्यूटू R6 कर रहा हूँ मैं, तो R6 के लिए थोड़े से और म्यूटू चाहिए। तो देखते हैं यहाँ से कितना म्यूटू मैं निकाल पाता हूँ, 3 म्यूटू मिल पाएगा यहाँ से, 1-2 एंड ये रहा 3 और 126 ज़्यादा साइड्स नहीं चाहिए एसआर पोकेमोन, तो आराम से मैं म्यूटू को भी मेगा कर सकता हूँ। अवेकन 4 तो है ही, अवेकन 5 हो जाएगा, वो गोल्डन फ्रेम आ जाएगा इसके ऊपर। चलो ठीक है, अवेकन 4 मेरा जाइग्रेड भी है, यार 3 ही है और 2 चाहिए मुझे म्यूटू। चलो कोई नहीं, देखते और पोकेमोन्स डूड। यहाँ पे मैंने पूरा ट्राई करा, ठीक है बहुत देर तक मैंने खोजा सर्च करा कि भाई किसी तरह से लैंड्रस और मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ डूड। और थोड़ा सा मैंने ध्यान और मेडिटेशन के बाद दिमाग लगाया कि मेरे जो वो शॉर्ट पोकेमोन्स जितने हैं उसके शेड्स को मैं किस तरह से यूज़ करूँ ताकि वो मेरे काम आए इन फ्यूचर। तो मैंने सोच लिया फाइनली कि गबाइट बनाऊंगा मैं। देखो ऑलरेडी मेरे पास गाचोम्प, आराम से मैं अवेकन 3-4 कर सकता हूँ, ठीक है नहीं 3 हाँ अवेकन 2 ही कर सकता हूँ आई थिंक सो, अच्छा से मैंने देखा नहीं था, मैं तुम्हें दिखा दूंगा अभी जाकर, रुक जाओ। तो यहाँ पे इतने सारे शॉर्ट्स पोकेमोन के जो शेड्स हैं मेरे पास, इन सबको मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी फिलहाल। ये रहा गबाइट, नहीं ये लिटिल डॉक्सिस तो मुझे करना नहीं है, मैं बस यहाँ पे देख रहा था। चलो ठीक है, अब मैं गबाइट को यहाँ पे लगा देता हूँ।
अच्छा डूड, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ कि मैं कितना इसे यूज़ कर पाऊँगा गवाइट को इसे बनाने के लिए। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे इसे अर्थक्वेक देने वाला हूँ और रोस्ट हो सके तो नहीं दूंगा, रेस्ट दे दूंगा और प्रोटेक्ट दे देने वाला हूँ और स्वॉर्ड डांस। ये परफेक्ट मूव होगा मेरे गाचौम के लिए और इसका अच्छा खासा ये बना दूंगा। अच्छा, यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो कि मेरे पास 1, 2, 3, 4, 2 अवेकन के लिए है गाचौम्स। चलो ठीक है, 2 अवेकन के लिए तो है, तो अब देखते हैं कि यहाँ से कितना मिल पाता है मुझे। डूड होप सो अच्छा खासा अमाउंट में हमें यहाँ पर पोकेमॉन्स मिल जाए। ऑल राइट, गवाइट लिखते हैं यहाँ पे GA। ऑल राइट, GAB भी लिख देता हूँ, नहीं ठीक है गा ही से आ जाना चाहिए। ये रहा, मिल गया। अच्छा, ऑलरेडी मेरे पास 66 शेड्स है इसके, तो बाकी सारे को मैं यहाँ पे बजाय सिंथेसाइज कर लेता हूँ, सॉरी एक्सचेंज कर लेता हूँ। यार 4-4 शेड्स लगते एक के लिए, ये थोड़ा सा बुरा है, कम से कम 2-2 का होता तो यार कितना मज़ा आता। अच्छा, 300 अब तक हो चुका मेरे पास गवाइट का शेड्स, बाप रे। ऑल राइट, लिटिल स्वीगन का भी कर लेते हैं। और ये रहा मेरे पास, वैसे यहाँ पे कॉइन है 17 करोड़, ये थोड़े और थे खर्च हो गए। इन सबको अगर मैं यूज़ करूँ तो यार मैं सच बताता हूँ, एक गाचौम को R6 बनाने तक, मतलब R2 बना सकता हूँ अगर यहाँ पे R2 होता इजीली, R2 अवेकन 2 भी कर सकता था इतने कॉइन से मेरे यहाँ पे, वो इस तरह करके गबाइट वगैरह बना बना के। और तुम तो जानते हो बहुत सारे तरीके हैं। ऑल राइट, 650 से मैंने सारे गबाइट को सिंथेसाइज कर लिया और देखते मेरे पास 650 / 50 13। हाँ, 13 मुझे यहाँ पे गबाइट मिल चुके हैं। अब पहले से 3 थे 16 और एक गाचौम पहले से था, तो आराम से देखा जाए यहाँ पे तो भाई मैं 5-6 बना सकता हूँ, मतलब 3-4 मेगा कर सकता हूँ, तो भाई बहुत फ़ायदा हो गया, अच्छा यूज़ किया मैंने इसे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, शुक्रिया, थैंक यू।